देवोत्थान एकादशी पर जब शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु माँ तुलसी से विवाह करते हैं तो मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त बन जाता है। इस दिन अगर पूरे नियम से आप एकादशी का उपवास करें और पूजन करें तो विवाह संबंधी समस्याएं खुद दूर होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं इस एकादशी कैसे करें शीघ्र विवाह के उपाय। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शालिग्राम को स्नान करा के उनको चंदन लगाएं। उनको पीले रंग के आसन पर बिठाएं। फिर तुलसी को अपने हाथों से उनको समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह कई मायनों में फलदायी होती है। कई शादी के बंधन ऐसे भी होते हैं जिनमें तकरार की वजह से पति पत्नी के बीच में विवाद जैसी स्थितियां बन जाती हैं। 8 नवंबर को मात्र एक सरल प्रयोग से विवाहित जोड़ों की ये समस्या दूर हो सकती है। आखिर कैसे, देखिए। संपूर्ण श्रृंगार करें। पीले वस्त्र धारण करें। शालिग्राम के साथ तुलसी का गठबंधन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। बांधी हुई गांठ के साथ उस वस्त्र को अपने पास हमेशा रखें। देवोत्थान एकादशी के शुभ मुहूर्त में किए गए प्रयोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा लाभ देते हैं। और इसके साथ अगर आप अपनी राशि के अनुसार ये विशेष उपाय करें तो लाभ होना निश्चित है। देखिए अपनी राशि अनुसार क्या करें आप उपाय जो आपको बनाए माला मार। मेष राशि, श्री हरि के चरणों का दर्शन करें और गुड़ का भोग लगाएं, उसे खाएं। वृष राशि, भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और उसे ग्रहण करें। मिथुन राशि, भगवान कृष्ण की पूजा करें, तुलसी दल का सेवन करें। कर्क राशि, भगवान को सफेद चंदन अर्पित करें, स्वयं भी लगाएं। सिंह राशि, भगवान को शुद्ध जल अर्पित करें, पूरे घर में जल का छिड़काव करें। कन्या राशि, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शंख ध्वनि करें। तुला राशि, भगवान को पंचामृत अर्पित करें, कीर्तन करें। वृश्चिक राशि, भगवान के चरणों को स्पर्श करें, भोजन अर्पित करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। धनु राशि, भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, इसे वर्ष भर सहेज कर अपने पास रखें। मकर राशि, भगवान को फलों का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कुंभ राशि, भगवान के लिए घी का दीपक जलाएं, खूब भजन कीर्तन करें। मीन राशि, भगवान को ढेर सारे फूल अर्पित करें, उनके चरणों को स्पर्श करके क्षमा याचना करें।